सच साहस सरोकार। बरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में छात्रों को कराई जा रही है तैयारियां। स्वास्थ्य विभाग में छात्रों को नौकरी मिलने की संभावना। अज्ञात बलेरो की चपेट में आया युवक, गंभीर हालत में युवक की हुई मौत। राज इंटर कॉलेज के कंप्यूटर कक्ष में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बिहार दौरा, सनातन संस्कृति कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह, पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे जनता के बीच, हाई स्कूल के मैदान में किया कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर रेलवे स्टेशन के पास पैरा मेडिकल की तैयारियां कराई जाती हैं। वहीं जब इस मामले में बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक साल से तैयारियां कर रहे हैं और पैरा मेडिकल कोचिंग सेंटर में अच्छे से अच्छी परीक्षा हो रही है। वहीं इस संबंध में डायरेक्टर अश्विनी सिंह ने बताया कि हमारे पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में फर्स्ट एग्जाम हो रहा है और दूसरा एग्जाम होने के बाद जो बच्चे परीक्षा पास करेंगे उनको स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिलने की संभावना हो सकती है। उनका ये सेंटर का एग्जामिनेशन है और जो टीचर ट्रेनिंग के जो भी बच्चे हैं उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आज जो है कि यहाँ किया गया है। बच्चे को क्या मिलेगा इस परीक्षा देने के बाद? बच्चे ये जो करेंगे इसके बाद ही इनका सेकंड सेमेस्टर के लिए ये लोग एप्लीकेबल हो पाएंगे और कुछ बच्चों का जो है फाइनल भी है, इसमें सेकंड सेमेस्टर में ये लोग जा सकेंगे। तो कहाँ जाएंगे? सेकंड सेमेस्टर में बच्चे का हमारे यहाँ नामांकन है पैरामेडिकल नर्सिंग और फार्मेसी में, तो एग्ज़ाम देकर फिर अपना जो है कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए और अपना कदम आगे बढ़ाएंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर से। गरीब बच्चों को के लिए क्या सहयोग? गरीब बच्चों के लिए ये है कि 30% जो भी फी अमाउंट है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां बेतिया नगर के राज इंटर कॉलेज में कंप्यूटर कक्ष में आज अचानक आग लग गई। वहीं इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं मामले में कॉलेज के स्टाफ व प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दर्जनों कंप्यूटर सेट व उपकरणों के जलने से बड़ा नुकसान हुआ है और क्षति के आकलन के साथ आग के कारणों की जाँच की जा रही है। खबर पश्चिम चंपारण बितिया से, जहां पटखौली थाना क्षेत्र के पास अज्ञात बलेरो की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में युवक की मौत हो गई। वहीं मौके पर निवर्तमान सभापति ने मृतक के घर पहुँचकर परिजनों को मुआवजा दिलाने के आश्वासन भी दिए हैं। पता नहीं चला, इसको पता चला कि बेहोश के हाथ में था। 112 वाला नंबर से लोग आया हॉस्पिटल में, उसके बाद हम लोग को मालूम चला तो हम लोग आए। मौत कहाँ हुई है? मौत हुई बेटी हम रास्ते में आते हैं इलाज कराने पर। हमने क्या नाम था? रुस्तम। खबर बक्सर से है, जहां केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बिहार दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने दो कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति समागम में करोड़ों रुपए की योजना के उद्घाटन के साथ बक्सर क्षेत्र के कई मार्गों के विकास के लिए भी घोषणाएँ की। वहीं इस दौरान परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अश्विनी चौबे जी ने जो बक्सर की मांग को पूरा किया है और आने वाले दिनों में बक्सर के आसपास के कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। 10 किलोमीटर सड़क ये भी काम शुरू हो गया है। सीतामढ़ी जिले के बिट्टा चौक से जनकपुर नेपाल तक अच्छी सड़क बन जाने से अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान हो जाएगा। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी का आदर्श
संस्कार हम उनके भूमि पर जाएंगे तो हमें भी प्राप्त होंगे और उसी के आधार पर हमारा जीवन समृद्ध और संपन्न होगा। एक बात जरूर है, जो बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज जो चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, जो संस्कार यज्ञ हो रहा है, जो साधु संतों का मार्गदर्शन मिल रहा है, वो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संस्कारों के आधार पर आदर। खबर मोतिहारी से, जहां युवक को खाने पर घर बुलाने के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस को इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की छापेमारी में जुट गई है। झगड़ा भइल बा लोग का बेटा से पुआन से आ के रहे जहां मरलन वहां के रहे उ सारे घर भर के लोग पुआन रहल अथी रह पर ना धरतानी भुलाई चुल्हाई ऐ सुरेंद्र अथी ऐ पुआन आ मुकेश आ ओकर बेटी तीन गो दू गो। खबर नालंदा से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और इसी बीच आरसीपी सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह के मौके पर नालंदा जिला अंतर्गत धाराहरा गांव में हाई स्कूल के मैदान में उनकी जयंती मनाई और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी जिद छोड़ दें और बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करें। तो क्यों नहीं फिर बिहार आगे बढ़ता है, क्योंकि इस प्रकार के नेता बने हुए हैं जिनकी कोई सोच ही नहीं। एक एक को सोच क्या आजकल है कि अगर कोई दारू पीता है और पकड़ा गया तो गांव में टंगवा दीजिए कि दारू पी देगा, उसका होगा जी। फिलहाल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बिहार की खबरों में। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम के ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलते हैं बिहार की खबरों की तरफ। खबर नवादा से है, जहां प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कसदारों के दबाव में सामूहिक आत्महत्या करने वाले केदारलाल गुप्ता के परिजनों से मिलने उनके पैतृक गांव पहुंचे और आत्महत्या पीड़ित के घर वालों को हर संभव मदद के भरोसा भी दिलाया है और उन्होंने कहा कि सामूहिक हत्याकांड के दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही साथ मामले के निष्पक्ष जांच को लेकर सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। फिर ये घटना न हो,
अभी सरकार और प्रशासन में बैठे लोग कर क्या रहे हैं, घटना घटित होता है उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ लेंगे या खाना पूर्ति करने के लिए दिखाने के लिए भी ये खेल खेलते हैं। घटना घटित न हो इसके लिए क्या पहल और क्या जिम्मेवारी उन्होंने निर्वहन किया और किसी घटना से सबक लेते हुए सरकार की क्या शक्ति दिखाई पड़ी, सरकार की क्या सजगता दिखाई पड़ी, पूरी पारदर्शिता से लोगों के बीच विश्वास पैदा करने की जरूरत है। दुकान बंद था, बस यही बता था हमको कि दुकान मेरा है नवादा में तो वो बंद है, तो हम बोले बंद है दुकान तो दिल्ली आइए, कोई दिक्कत है तो सकता है पैसों से भी प्रॉब्लम सब होगा, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं वहाँ रह रहा था और मैं खुद से शादी कर लिया था ना, तो पापा बात भी उतना नहीं कर रही थी। फिर मेरे को भी पता चला तो दीदी से ही पता चला कि उन लोग घर पे नहीं है, तो हम लोग दोस्त को कॉल किए इधर उधर दोहराए, दीदी से पूछे हैं कहाँ पे पता करो, क्योंकि छोटी वाली जो बहन थी ना वो दीदी को कॉल कर रही थी कि हम लोग ऐसे ऐसे जहर खा लिए हैं, तो हम दीदी से पूछते रह गए है कहाँ ये तो कम से कम पता करो, कभी तभी तो किसी को भेजेंगे। वो फ़ोन की थी कि हमारा घर अंधेरा था, तो मुझे फ़ोन किया कि मुझे तुम्हें कुछ पता है घर पे कोई नहीं है, मैं चौंक गई क्योंकि मेरा भी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुआ था, मतलब उस दिन नहीं हुआ था, तो मैं बोली कि मुझे पता नहीं बात नहीं किया है, कॉल लगाते हैं, तो फिर मैं अपने पापा के नंबर पे और भाई के नंबर पे 3-4 कॉल नहीं उठाए, तो फिर मैं सोची चलो पड़ोसी में किसी को कर लेती हूँ, तो फिर बहुत सोचते थे एक का नंबर याद है, तो फिर मैं उसको एक की एक भाई ही लगता है हमारे कास्ट का ही, तो उसे की, तो हम उसे बोले देखना जाकर पापा मेरा कोई भी उठा नहीं रहा कॉल, देखो तो उठाता है कि नहीं, आवाज़ दो। खबर नवादा से, जहां शहर के RMW कॉलेज की छात्राएं फॉर्म नहीं मिलने को लेकर हंगामा किया और इस दौरान छात्राओं ने बताया कि एक सप्ताह से हम लोगों को टहलाया जा रहा है लेकिन फिर भी BA पार्ट 1 का फॉर्म नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर छात्राओं ने नवादा कलेक्ट्रेट पहुंचकर बताया कि 4000 छात्राओं को काम नहीं मिल पाया। खबर रोहतास से, जहां राष्ट्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने 210 करोड़ की लागत से सोन नदी पर 2 उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास करने पहुंचे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद के साथ पंचायती राज्य मंत्री, भवन निर्माण मंत्री के साथ कई लोग मौजूद रहे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां ऊर्जा ग्लोबल फाउंडेशन के फाउंडर आदित्य मिश्रा ने बाल दिवस के अवसर पर शिक्षा सामग्री का वितरण किया गया। आपको बता दें कि आदित्य मिश्रा ने हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने आसपास हमेशा दूसरे के मदद के लिए आगे रहते हैं। इसी कड़ी में एक नव युवक का मानना है कि मेट्रोस्को ऑयल कंपनी से जो इनकम होता है उसका एक पार्ट गरीबों के नाम है। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के क्रम में उन्होंने ऊर्जा ग्लोबल फाउंडेशन का स्थापना किया, जो एक NGO के तर्ज पर सदा गरीबों के असहाय के लिए, विकास कार्यों के लिए आगे सेवा भाव से हर एक मदद करने को तत्पर रहता है। तो सरकार के विपक्ष में नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट का जो अपना पॉलिसी है वो अपना कर रही है जी। लेकिन हमारे फाउंडेशन के माध्यम से मेरा प्रयास जो है गरीब तबके बच्चों को शिक्षित करना, जागरूक करना जी। उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान करना। खबर भागलपुर से है, जहां कुछ प्रधानाध्यापक रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध उगाही कर रहे हैं। बता दें कि एकडरा पंचायत के उत्क्रमित माध्यम विद्यालय एकडरा में प्रधानाध्यापक के द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर खुलेआम 405 रुपए की उगाही की जा रही है, जबकि सरकारी रेट मात्र 320 है। वहीं जब इस मामले में प्रधानाध्यापक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हम रजिस्ट्रेशन का 400 रुपये लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। वहीं इस मामले को लेकर बच्चों ने भी स्कूल के गेट पर जमकर बवाल काटा।
किस क्लास में? 9th में। रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी? हाँ। कितना पैसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन में? 400। हाँ। इस स्कूल में सिर्फ 400 लग रहा है, सब स्कूल में 400 लगता है? पता नहीं, लेकिन स्कूल में। हाँ। कितना पैसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन में? 400। 320 रुपया है लेने का, 400 रुपया लग रहा है पैसा। अभी क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी? हाँ। कितना पैसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन में? 400। हाँ, रब का 5 रुपया और 400 ऐसे। बच्ची पढ़ती है अभी 9 में से, और सुनते हैं रजिस्ट्रेशन का 400 रुपया का मांग किया है। अच्छा। बच्चे से या लड़की छात्र छात्र से, तो अभी तक तो नहीं दिए हैं, कल देंगे या आज देंगे, तो देना तो है ही बच्ची को। कितना पैसा रजिस्ट्रेशन में लगा? 400 रुपया। 400। पहले बताया था मास्टर की कितना पैसा लगेगा? 400। ये कहाँ से फॉर्म मिलता है? कितना रुपया देता है फॉर्म? कृष्णा पटेल मौजूद हैं भागलपुर से। छात्रों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध उगाही का आरोप लगाया है, बताना चाह रहा है कि इसमें क्या सफाई सामने आ रही है, और स्कूल में बच्चों ने जमकर बवाल भी काटा, इसको लेकर आपके पास क्या ताजा खबर है? जब हम स्कूल गए थे तो सर वहां पे साफ साफ बोला गया कि हाँ हम 400 रुपया ले रहे हैं और 320 रुपया इसका फीस है, सरकारी निर्धारित है। लेकिन जब बोला गया कि इस विषय में कि 320 जब है तो आप 400 क्यों ले रहे हैं, कहते सभी स्कूल ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। कृष्णदेव, जब बच्चों ने बताया कि उनसे ज्यादा फीस लिया जाए तो उस पर प्रधानाध्यापक का क्या कहना है? प्रधानाध्यापक का कहना कि कहीं भी आप शिकायत कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम 400 का फीस 400 का ही 400 लेंगे। और जबकि पहले भी इस पे कई आरोप इस प्रधानाध्यापक पे सुबोध कुमार पे लग चुका है। कृष्ण, ये जो इल्जाम बच्चों ने प्रधानाध्यापक पे लगाए हैं, क्या इसको लेकर BSA या वहाँ के अधिकारियों से इस पे कोई चर्चा हुई है, उनके संज्ञान में ये प्रकरण दिया गया? इस विषय में प्रखंड विकास अधिकारी को सूचना दिया गया है, उसने कहा कि जो हाँ तक हो सके उससे उचित कार्रवाई की जाएगी, उनका मतलब इनका वीडियो भी उनको अवेलेबल करा दिया गया है। जी कृष्ण, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बिहार की खबरों की तरफ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत से पहले स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाला गया, जिससे जिले के एक डॉक्टर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि पकड़ी दयाल सहित जिले के सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा दिया। खिलाड़ियों ने क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत कर दी है, वहीं इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और सभी खिलाड़ियों और दर्शकों से तालियां बजाकर क्रिकेट एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर MM आलम का स्वागत किया। अभी तो अपने मेरा एकदम बिल्कुल लीक से हट के काम है, लेकिन फिर भी हमको लगता है ना इसमें हमको मजा आता है, इसलिए हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और आने वाले दिन में हम चाहें कि हमसे जहां तक हो सकता है क्रिकेट के लिए, पकड़ी दयाल क्रिकेट क्लब के लिए जो सहायता होगा हम करेंगे तैयार।
खबर नालंदा से, जहां सब्जी लेकर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद उसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। दुर्गापुर गए थे सब्जी बगैर लावे ले, तो उधर से लौट रहे थे, तो कोई मोटरसाइकिल आकर मार कर फरार हो गया। तो हम लोग के ग्रामीण से पता चला तो पावापुरी हॉस्पिटल ले दिए, तो वहाँ डॉक्टर बोल दिया कि मृत्यु घोषित कर दिया। खबर सस रसा से है, जहां पतरघट ओपी क्षेत्र के घर में लूटपाट करने आए डकैतों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने डकैतों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। घर में आवाज़ हुआ खटखट की, तो मम्मी जगी तो देखे कि पांच छह आदमी आंगन में खड़ा था हथियार लेकर के, चार पांच आदमी घर में लूटपाट कर रहा था। जिस पर हल्ला किए तो उन लोग मम्मी को आकर के हथियार सटा दिया। डर से हम लोग कुछ नहीं बोले, सामान चोरी कर लिया, जेवर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, और भी सामान था बाली उली सब जेवर ले लिया। और जब हल्ला किए पूरा भागने लगा वो सब, तो भागने क्रम में पूरा गांव का लोग जब जमा हुआ तो एक आदमी को पकड़ लिया हम सब, उसको पकड़ करके पत्थरघाट पुलिस को दे दिए रात में। फिलहाल बिहार की खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।